सुरपणखा घूमती हैं। ये क्या करती है, सुरपणखा का चरित्र क्या है? ये जाकर के भगवान राम से कहती है कि तुम साम पुरुषा नमो समनारी। आपके जैसा सुंदर पुरुष इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, ना मेरे जैसे सुंदर कोई दूसरी स्त्री है। प्रभु आप न समझिए कि ऐसे संयोग बन गया, ये संयोग ब्रह्मा जी ने बड़ा सोच विचार के बनाया है। यह संयोग विधि रचा विचारी और अभी भी नहीं चुप हुई, तो क्या कहती है कि ताते अब लगी रहे हो कुमारी, मन माना कछो तुम ही निहारी। अभी इतना पर चुप नहीं हुई तो कहती है हम आपके लिए ही आज तक कुंवारे बैठे थे। कितनी बड़ी झूठी बातें हैं। जबकि सुरपणखा का विवाह हो गया था, पति का नाम था विद्युज्जेवा, विधवा थी, लेकिन फिर भी कहती हम आपके लिए कुंवारे बैठे अभी तक। अच्छा ये भी ठीक, अब भी मान जाओ तो भी नहीं मानी, तो कहती है मन माना कछु तुम ही नहीं आ रही, आपको देख करके मेरा मन थोड़ा सा कछु थोड़ा सा मान गया है। राम जी विचार करने लगे इसका मन मुझे देख करके थोड़ा सा मान गया है, मतलब हमसे बढ़िया दिख जाए तो ये वहां भाग जाएगी। यही तो सुरपणखा का चरित्र है। भगवान राम ने कहा देवी हमने विवाह कर लिया है और हमारी एक पत्नी है जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। एक काम करो, मेरा छोटा भाई बैठा है आप उसके पास जाओ। लक्ष्मण जी के पास पहुंची और जाकर के फिर वही बातें, तुम संपुरुष नमो समनारी, ये संजोग विधि रचा विचारी, ताते अब लग रहे हूं कुमारी, मन माना कुछ तुम ही नहीं आ रही। कॉपी पेस्ट वही बातें जाकर के वहां भी सुनाई। लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, महारानी बनना चाहती हो कि नौकरानी? इसने कहा नहीं महारानी। तो कहा फिर यहां क्या करने आई हो? कहा क्यों? कहा वो राजा हैं और मैं दास हूं उनका, हमसे विवाह करोगी दासी बनोगी, सेवा करनी पड़ेगी। सुरपणखा फिर राम जी के पास गई, निवेदन किया, राम जी ने फिर मना किया। सुरपणखा को लगा कि ये जो स्त्री है इसी के कारण ये विवाह नहीं कर रही, इस स्त्री को समाप्त कर देते हैं। और सुरपणखा ने जैसे अपने हाथों को बढ़ाया श्री जानकी मैया की तरफ, राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण इसके नाक और कान दोनों काटो। लक्ष्मण जी ने सुरपणखा के नाक और कान दोनों काट डाले। अब प्रश्न ये उठता है कि बढ़ाया था हाथ लेकिन काटा नाक और कान क्यों? इसका भी कारण है, सुरपणखा को बड़ा अहंकार था हम बहुत सुंदर हैं। और जब भी आप अपने घर में पुत्र के विवाह के लिए जाते हैं लड़की देखने, तो क्या कहते हैं? जब लड़की देख के आते तो कहते लड़की का नाक नक्शा बहुत सुंदर है, कहते हैं। अच्छा कोई कितना भी सुंदर हो और चेहरे में से नाक ही गायब हो कैसा लगेगा? तो भगवान ने कहा पहले इसकी नाक काटो। और कान क्यों? कहा कान इसलिए काटो कि तब से बोल रहा हूं कि मैं विवाह नहीं कर सकता, इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब कान का कोई मतलब नहीं है, इसलिए कान भी काटो। तो नाक कान दोनों काट करके भगवान ने चुनौती दे दी रावण को। सुरपणखा पहुंची खरदूषण के पास, खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया चलाई कि सब आपस में लड़ करके मर गए। सुरपणखा पहुंची रावण के पास, कहा महलों में बैठे बैठे सिर्फ आराम करोगे, तुम्हें पता भी है क्या चल रहा है? रावण ने कहा वो सब छोड़ो, ये नकिया कनवा कहां से कटा के आई ये बताओ पहले। सुरपणखा ने कहा क्या बताऊं, एक बड़ी सुंदर स्त्री आई है और हम सोचे थे कि तुम्हारे लिए ही उसका उससे विवाह करा देंगे, लेकिन वो दोनों वनवासियों ने मिलकर के मेरी ये स्थिति कर दी। रावण ने कहा यहाँ क्या करने आई? कहा यहाँ पर इसलिए आए हैं कि चलो तुम उनसे युद्ध करो। कहा खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? कहा गई थी, क्या हुआ? कहा मर गए। रावण ने सोचा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, मेरे समान बल रखने वाले खरदूषण समाप्त हो गए, अर्थात ये कोई साधारण नहीं, लगता है भगवान का प्राकट्य हो चुका है।